हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, वेलकम टू द एविएशन करियर माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में बात करेंगे एक इंटरनेशनल एयरलाइंस की जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसका नाम है मालदीप एयरलाइंस। फ्रेंड्स, मालदीप एयरलाइंस के तरफ से इंडिया में दो एयरपोर्ट के लिए ओपनिंग आया हुआ है, एक मुंबई एयरपोर्ट के लिए एंड सेकेंड है कोची एयरपोर्ट के लिए। दोनों ओपनिंग ग्राउंड स्टाफ में ही है। ग्राउंड स्टाफ में जो मुंबई एयरपोर्ट्स के लिए है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है, एंड जो कोची एयरपोर्ट के लिए वो ग्राउंड स्टाफ में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए है। सो दोनों ओपनिंग के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को टिल एंड तक देखें, एंड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प हो रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। आपको मेरे चैनल पे एयरलाइंस इंडस्ट्री, डिफेंस सर्विसेज एंड गवर्नमेंट के जितने भी लेटेस्ट जॉब अपडेट आते हैं उसका इन्फॉर्मेशन, उसका अपडेट मिल जाया करेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस अपडेट को कैसे अप्लाई करना है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या स्किल्स एंड एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है इस पोजीशंस के लिए। पहले बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट्स के लिए जो अपडेट आई हुई है उसके बारे में। मुंबई एयरपोर्ट्स के लिए जो अपडेट आई हुई है वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के लिए है। मुंबई एयरपोर्ट के लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को। वर्क लोकेशन मुंबई रहेगा आपका, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे एज एंड हेल्थ की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जा रहा है 18 ईयर्स, एंड आप फिजिकली फिट होना चाहिए, फिट टू वर्क। ठीक है, मेन पर्पस आपकी जो मेन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी यहाँ पे जॉब की, परफॉर्म सिक्योरिटी फंक्शन एंड अकॉर्डेंस विद एयरलाइन सिक्योरिटी प्रोग्राम BCS रेगुलेशंस एंड अप्रूव्ड प्रोसीजर्स। जो भी प्रोसीजर्स होंगे, BCS के अप्रूव प्रोसीजर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बस यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है कि आपको इंग्लिश एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर आपने प्रीवियस में कहीं भी काम कर रखा है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में तो आपको यहाँ पे उसके लिए स्पेशल एडवांटेज दिया जाएगा। इस वैकेंसीज को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल 2021 तक है। एंड यहाँ पे सिलेक्शन एंड इंटरव्यू की बात करें तो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे देन आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है, तो विद इन 15 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपकी इंटरव्यू ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। फ्रेंड्स, नाउ अब बात कर लेते हैं जो कि कोची एयरपोर्ट्स के लिए अपडेट आया है उसके बारे में। ये जो पोजीशंस हैं ये एयरपोर्ट सर्विस एजेंट के लिए हैं। इंडिया में इसको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा स्टेशन मैनेजर को। ठीक है, एंड वर्क लोकेशन आपका कोची केरला में रहेगा। ठीक है, मालदीप ऑफिस है वहाँ पे रहेगा। एंड आपका मेन पर्पस मीन्स आपकी जो मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, जॉब फंक्शन ऑफ द ऑपरेशनल स्टाफ इंक्लूड्स चेक इन बैगेज हैंडलिंग, बोर्डिंग, रैंप अप हैंडलिंग, अराइवल्स, लेफ्ट लगेज, लोड कंट्रोल हैंडलिंग, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग काउंटर, कार्गो एंड असिस्ट बाय द ड्यूटी इंचार्ज और स्टेशन मैनेजर। आपको स्टेशन मैनेजर के साथ साथ में आपके सारे वर्क को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होते हैं वहाँ पे ये सारे वर्क कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव देखते हैं। सो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस में कस्टमर सर्विस एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की लिटरेसी की नॉलेज रिक्वायर्ड की जा रही है। इस वैकेंसीज को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट दिया गया है वो 26 अप्रैल 2021 तक है। एंड यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम रखा गया है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात दोनों अपडेट्स में, ओनली इंडियन सिटीजन होल्डर्स विल बी एक्सेप्टेड द एबव पोजीशंस एंड ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन विल बी नोटिफाइड।
मीन्स अगर आप ओनली इंडियन सिटीजन के लिए ही ओपनिंग आया हुआ, इंडिया में आप किसी भी सिटी किसी भी स्टेट से हैं, मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस हम टर्म कंडीशन यही है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए एंड आप 18 ईयर्स एबव होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि दोनों को वैकेंसीज को अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में लिंक दिया हुआ है www.maldiv.edu, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एक अदर से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड इंटरफेस। यहाँ पे क्या करना है आपको, लास्ट में मोर पे क्लिक करना है। मोर पे आने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट पायलट्स, बहुत सारे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो, पेन से भी फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो अगर फिल होता है तो, ठीक है। नहीं तो आप इसको पेन से फिल कर दें, ब्लैक पेन से फिल करें, याद रखें ब्लू पेन से इसको फिल ना करें, इसको ब्लैक पेन से फिल कर दें। जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं, नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एड्रेस, ऑल डिटेल्स को आपको क्या करना है, फुलफिल कर देना है। फुलफिल करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, ऑल सर्टिफिकेट को स्कैन करके, आपको जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगी उसको स्कैन करके एक PDF बना लेना है, PDF फोल्डर बना लेना है, उसको भी सेव करके रख लेना है। एंड थर्ड आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, दोनों डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके PDF बना कर रख लेना है। एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का PDF फोल्डर एंड आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का स्कैन कॉपी, वो ऑल डॉक्यूमेंट को आपको career@iasl.aero इस ईमेल ID पे आपको मेल करना है। आप जैसे ही मेल कर दोगे इस ईमेल ID पे ऑल डिटेल्स को, विथिन 15 डेज आपको आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है, या आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो विथिन 15 डेज आपको इसके जो मालदीप एयरलाइंस हैं इसके तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, या फिर बाय मेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरव्यू के लिए कि आपके इंटरव्यू कब, कहाँ, किस वेन्यूज पे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ठीक है। सो इसके अलावा भी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में एक और नंबर भी मेंशन किया गया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉल करके, कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो, ठीक है, नंबर भी दिया गया है यहाँ पे। सो जितने भी लिंक हैं, दोनों नोटिफिकेशन के लिंक हैं, इसका जो कैरियर वेबसाइट है उसका लिंक, ऑल लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। एंड एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मालदीप एयरलाइंस के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राउंड स्टाफ में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप अगर इसके इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हो तो वो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो मालदीप एयरलाइंस है इसको आइसलैंड एविएशन सर्विस लिमिटेड ऑपरेट करती है, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, एवरीथिंग ऑल अबाउट मालदीप एयरलाइंस, लाइक मालदीप एयरलाइंस कब फाउंड किया गया, इसका फाउंडर CEO कौन है, इसका कितने फ्लीट साइज है, डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ पे है, इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू पूछे जाते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो इस अपडेट्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसके अलावा आपके कोई और भी डाउट एंड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा ईमेल ID है theaviationcareer@gmail.com। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।